समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न में 5/8 बराबर 40/ खाली स्थान लाना है, अर्थात 5/8 के समतुल्य 40/ कोई ना कोई संख्या अवश्य होगी। अतः हम ये जो पूरी संख्या अंश और हर में लिखी उसे हम 5/8 को लिख लेते हैं। अब आता है कि इसके बाद हम कि 5 में किस संख्या का गुणा करें कि 40 आ जाए, तो 5 में 5/8 हमने यही लिखी, 5 में किस संख्या का गुणा करें 8 का, तो 5 × 8 = 40। तो निश्चित रूप से जब ऊपर अंश में 8 का गुणा किए हैं तो नीचे भी अंश में 8 का गुणा, हर में 8 का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात यह 5 × 8 = 40/8 = 64। यह उत्तर आ गया, अर्थात 40/64। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 5/ खाली स्थान बराबर 35/56, अर्थात 5/ खाली स्थान मतलब कि हर में संख्या ढूंढना है। अतः हम 35/56 को ले लेते हैं। अब 35/56 निश्चित रूप से बाएं पक्ष वाली संख्या से बड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें ऊपर नीचे ऐसी संख्या से भाग देंगे जो 35 और 56 कट जाए। तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक देखेंगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे भाग जाता है, ऊपर और नीचे 7 से भाग जाता है। 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 28, 7 × 5 = 35, 5 बार कटा। अब 7 से ऊपर भाग दिए हैं अंश में, तो 7 से नीचे भी भाग देना पड़ेगा हमको हर में। तो 7 × 7 = 14, 7 × 2 = 28, 7 × 5 = 47, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 8 बार कटा, अर्थात क्या हो गया ये 5/8, यह उत्तर आ गया आपका। अर्थात देखिए अब ऊपर सबसे पहले प्रश्न में क्या लिखा था, 5/ खाली स्थान, अतः 5/8 आ गया। इसी प्रकार से तीसरे नंबर के प्रश्न में हम कौन सी, देखो बाएं पक्ष में 3/ खाली स्थान है बराबर 9/24 है, अतः हम 9/24 को लेते हैं। अब वही कि किस संख्या से भाग जाएगा, तो ऊपर नीचे आप देखेंगे 3 से कटता है, 3 × 3 = 9, नीछे भी 3 से काटेंगे, 3 × 8 = 24, तो अर्थात 3/8 आया। तो ये देखिए उत्तर आ गया 3/8। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि चौथे वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है 2/ खाली स्थान बराबर 8/20, अतः हम दाएं पक्ष वाला 8/20 लेंगे। आप देखेंगे छोटी से छोटी संख्या से भी भाग दे सकते हैं, तो आप देखेंगे कि काटेंगे तो 2 से भी काट सकते हैं, 2 × 8 और 2 × 2 = कितना होता है 20। देखो 2/10 लाना है, चूँकि 4/10 है, फिर 2 से कट जाएगा इसमें, देखो ज़रा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, अर्थात उत्तर देखेंगे आप देखो ज़रा क्या जाएगा 2/5। तो आप देखेंगे कि प्रश्न में देखो ज़रा 2/ खाली स्थान था, आपको 2/5 दिख गया यह उत्तर में। इसी प्रकार से देखेंगे कि आप देखेंगे कि पांचवा प्रश्न में 2/ खाली स्थान है और 14/42, तो आप किसको लिखेंगे, दाएं पक्ष को 14/42 को लिख लेंगे। अब देखेंगे आप कि किस संख्या से कटता है, तो आप देखेंगे 7 से कटता है, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, तो नीचे भी 7 से काटेंगे, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 28, 7 × 5 = 45, 7 × 6 = 42, अर्थात उत्तर में क्या आया आप देखेंगे 2/6। अर्थात देखेंगे प्रश्न में देखो जरा 2/ खाली स्थान था, अब क्या आ गया 2/6। इसी प्रकार छठवें प्रश्न में देखेंगे आप कि 1/ खाली स्थान है बराबर 6/18, तो हम कौन सा दाया पक्ष वाला 6/18 को ले लेंगे। अब वो किससे भाग जाएगा, तो आप देखेंगे चूँकि 1 है तो स्वाभाविक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर 6 × 6 = 18, यानी 1/3 उत्तर आपका आ गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे 5/ खाली स्थान बराबर 10/12, तो हम दाया पक्ष लेंगे, हल में 10/12 किस संख्या से भाग जाएगा, देखो 5/12 2 का पहाड़ा ऊपर नीचे दोनों चला जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, जब ऊपर 2 से भाग दिए तो नीचे भी 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 × 6 कितना होता है 12, अर्थात क्या हो जाएगा 5/6। देखिए जरा अब आप देखेंगे प्रश्न में देखेंगे आप कि 5/ खाली स्थान था, 5/6 आ गया,
इसी प्रकार से आठवां प्रश्न देखो जरा, हम लेंगे दायां बक्स 18/27 कैसे कटेगा, स्वाभाविक 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, दो बार काटा, जब ऊपर 9 से काटे तो 9 नीचे भी 9 से काटना पड़ेगा हर में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तीन बार काटा, उत्तर क्या आ गया 2/3। देखेंगे आप प्रश्न में 2/ खाली स्थान था, क्या आ गया 2/3, अर्थात हमको समतुल्य भिन्न बनाना है। इस प्रकार से आगे प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं।